नमस्कार, स्टार स्टार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं माँ भगवती के सातवें स्वरूप की। माँ भगवती के सातवें स्वरूप की पूजा किस तरह से की जाती है। सातवें नवरात्र के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये काल का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। आज के दिन पूर्व की भांति नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के पूजा के मंडप की सफाई करें। जो सामग्री आपने पहले दिन चढ़ाई हुई है, फूल फल आदि, उनको हटा दें और नई सामग्री आप वहाँ पर माँ भगवती पूजा करने के लिए ले आएँ। इस दिन साधक को अपने चित्त, अपना जो चित्त है वो भानु चक्र में स्थित करके साधना करनी चाहिए। श्री कालरात्रि की साधना से साधक को भानु चक्र जागृत की जो सिद्धियाँ हैं वो स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि है। भक्तों द्वारा इनकी पूजा का इनकी पूजा के उपरांत उनके सभी दुख संताप भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इनका वर्ण अंधकार की भांति काला है, केश बिखरे हुए हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। माँ कालरात्रि के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकल रही हैं। इनकी नासिका में नासिका से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ का यह भय उत्पन्न करने वाला उत्पन्न कर मतलब माँ को जो स्वरूप है वो भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप है और केवल ये पापियों का नाश करने के लिए ही माँ का ये स्वरूप लिया गया है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली हैं और इसी कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के सप्तम दिन साधक का मन संसार चक्र में अवस्थित रहता है। विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने माँ की स्तुति की थी। यह देवी कालरात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ करके रखा हुआ है। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माँ कालरात्रि के तीन बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनमें माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की जो दृष्टि वो रखती है। देवी की चार भुजाएं हैं, दाईं ओर की ऊपरी भुजा से जो है वो महामाया भक्तों को वरदान प्रदान करती है और नीचे की जो भुजा है उससे अभय का आशीर्वाद प्रदान करती है। बाईं भुजा में क्रमशः तलवार और खड्ग जो है वो धारण किया हुआ है। देवी कालरात्रि के बाल जैसे मैंने बताया कि बिखरे हुए हैं, हवाओं में लहरा रहे हैं। देवी कालरात्रि गर्दन पर सवार है। माँ का वर्ण काला होने के बाद भी कितना कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह जो विचित्र रूप है वो भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, अतः देवी को शुभंकरी भी कहा जाता है। देवी का यह जो रूप है वो रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का सातवां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले जितने भी भक्त हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुली हुई होती हैं और षष्ठी पूजा के दिन जिस बिल को जो आमंत्रित किया जाता है उसे आज तोड़ करके लाया जाता है और उसे माँ की आँखें बनाई जाती हैं। दुर्गा पूजा में जो सप्तमी तिथि का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दिन से भक्तजनों के लिए देवी माँ का दरवाजा खुल जाता है और भक्तगण पूजा स्थलों पर देवी के दर्शन हेतु एकजुट होने लग जाते हैं और माँ भगवती के दर्शन करते हैं। सप्तमी की जो पूजा के दिन जो है सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ माँ भगवती के ईश्वर की पूजा होती है। इस दिन अनेक प्रकार के मिष्ठान एवं कहीं कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने पर मदिरा भी माँ भगवती को अर्पित की जाती है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात कहलाती है। कुंडलिनी जागरण हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं आज संसार चक्र का वो भेदन करते हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य की मैं बात करूं तो प्रधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का प्रकटीकरण हुआ तो उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से तीन महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकारमय और तमसो जो तामसिक गुण हैं
तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले जो तामसी रूप है जिस देवी में उत्पन्न किया, मतलब देवी ने जिसमें उत्पन्न किया था, देवी उसी रूप में कालरात्रि है। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और जो उनकी जो उनके कर्म हैं, कर्म के द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा एवं दुरत्या के रूप में भी पूजी जाती है। आज और जब कई लोग रात के समय में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, पूरी रात वो लोग जागरण करते हैं। तो जिन भी भक्तों को जिस श्रद्धा से, जिस भाव से वो पूजन करना चाहें, वो उस भाव से माँ भगवती के स्वरूप की पूजा करें, निश्चित रूप से उन्हें सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम बात करें माँ भगवती के सात स्वरूप की। अगले एपिसोड में हम माता के जो आठवां स्वरूप है, उस स्वरूप की हम बात करेंगे। उस पूजा को करने का क्या विधान है, उस पूजा को करने से कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार, जय माता दी।